नमस्कार, मैं हूं अंशी तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में बच्चा चोरी करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस रैकेट के कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के लोग गाजियाबाद और अलीगढ़ से सड़क किनारे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चे चुरा कर अमीर घरों के ऐसे लोगों को बेच देते थे जिनके बच्चे नहीं होते थे। पुलिस ने मामले में उन लोगों को भी हिरासत में लिया है जिन लोगों ने इन बदमाशों से बच्चे खरीदे थे। पुलिस ने इस मामले में सोले बेचने और खरीदने और मध्यस्थता करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही 5 बच्चे भी बरामद किए गए हैं। बरामद बच्चे में गाजियाबाद के 2 और अलीगढ़ के 3 बच्चे हैं। अलीगढ़ शहर में पिछले कुछ महीने में सड़क किनारे रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चे चोरी होने की सूचनाएं पुलिस को मिल रही थीं। ये ऐसे परिवार थे जो कूड़ा बीनने जैसे काम करते हैं। इन लोगों के बच्चे लगातार गायब हो रहे थे, जिनके बाद एसएसपी अलीगढ़ ने ऑपरेशन खुशी अभियान चलाया, जिसमें पुलिस की कुछ टीम इस मामले के खुलासे के लिए लगाई गई थी। जिसके बाद बीते सोमवार को महुआ खेड़ा पुलिस ने ऐसे ही एक रैकेट का पर्दाफाश किया है और कुछ बच्चा चोरों को गिरफ्तार किया है। यह लोग बच्चा चुरा कर जिनके बच्चे नहीं होते थे उन परिवारों में बेच दिया करते थे। इनके बदले में 50,000 रुपए से लेकर कई लाख तक की रकम वसूली जाती थी। पुलिस ने इन बदमाशों को निशानदेही पर कुछ बच्चों को भी बरामद किया है व बच्चा खरीदने वाले कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। बच्चा चोरी के मामले के खुलासे की जानकारी होने के बाद अलीगढ़ में जिन गरीब महिलाओं के बच्चे चोरी हुए थे वह भी थाना महुआ खेड़ा पहुंच गईं। उन महिलाओं ने बताया कि हमारे पास एक गाड़ी आई, उन्होंने हमें धमकाया और फिर हमारे घर वालों को उठाकर ले जा रहे थे। हम पूरी रात जागे, जब हम करीब 4 बजे सो गए तो सुबह पता चला कि बच्चा गायब है। बच्चा कौन ले गया यह पता नहीं है। आज हमको पता चला, किसी ने बताया कि बच्चे मिले हैं, इसलिए हम अपने बच्चों की तलाश करने थाने आए हैं। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसमें बच्चा चुराने वाले, उनको मध्यस्थता कर बेचने वाले और खरीदने वाले इस तरह के अपराधी व्यक्तियों के पूरे गैंग का पर्दाफाश किया गया है। यह अंतर जनपदीय गैंग है और 16 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक ही रात में चले ऑपरेशन में 5 बच्चे बरामद किए हैं। यह बच्चे पिछले 7 माह के अंदर विभिन्न जनपदों से चोरी किए गए थे। अगर इस गैंग के मुख्य अभियुक्तों की बात करें तो दुर्योधन, अनिल और शुभम हैं। इस गैंग के 3 अपराधी सरगना हैं। यह 3 बच्चे चुराया करते थे। अक्सर रात में अकेले बच्चे जो घर के बाहर होते थे उनको चुरा कर ले जाया करते थे। उनका गिरोह है, इनमें लवली, नेहा, लक्ष्मी, चांदनी और रेखा हैं। इन महिलाओं को बेचा करते थे और इनके माध्यम से निसंतान दंपतियों को बेचा करते थे। इसके बदले में 50,000 से लेकर कई लाख तक लिया करते थे। 2 बच्चे गाजियाबाद से और 3 बच्चे अलीगढ़ से चोरी हुए थे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।